हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू एन अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग जो है वो डायरेक्टली स्टार्ट हुआ है बाइक पे, कि हम काफ़ी लेट चल रहे हैं आज, बहुत ही ज़्यादा। फ़िलहाल हम जो है मनाली में हैं। मनाली के पहाड़ों को आप खूबसूरती को देख सकते हो। और कल रात हम लोग जो है यहाँ रुके थे होटल रोहतांग व्यू में। यहाँ से जो है रोहतांग पास का व्यू हमें मिलता है, इसलिए इसका नाम है रोहतांग व्यू। सो ऑलरेडी बज चुके हैं 10 और हमें पहुंचना है दिल्ली, जो कि अब लग रहा है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है जल्दी पहुंचना, क्योंकि ऑलरेडी मैप में बता रहा है कि रात में पहुंचेंगे 10:41 पे। देखते हैं अगर दिल्ली के करीब भी पहुंच पाए तो भी ठीक है, अगर 100 किलोमीटर आसपास तो मॉर्निंग में जल्दी से वो करके हम दिल्ली से जो है दिल्ली में पहुंच के, मतलब आज अगर दिल्ली के थोड़ा नज़दीक भी पहुंच गए तो कल सुबह जल्दी दिल्ली से निकल जाएंगे, दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। और फिर दिल्ली में जो कुछ काम है हमारा वो कर लेंगे। देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट ऑलवेज। 550 किलोमीटर्स है यहाँ से दिल्ली। कल जो है एक्चुअली वो ब्रेक में एयर का इशू हुआ था, तो कल विनायक ने थोड़ा बहुत फिक्स किया था, तो उस वजह से हम ठीक से मनाली तो पहुँच पाए। अगर वो तब विनायक ने फिक्स नहीं किया होता तो हम इतने जल्दी मनाली जो है वो नहीं पहुंच पाते, क्योंकि ब्रेक्स पूरी तरह से फेल हो गया था। और आज हमारे बैग्स बहुत ही ज़्यादा भरे हुए हैं। कल हमने काफ़ी सारी मनाली में शॉपिंग कर ली है, तो बैग्स एकदम कट टू कट फुल भरे हुए हैं। और सुबह में बंजी टाइट करते वक्त हमारे ग्लव्स में हो गया है एक छोटा सा होल। ये अच्छा हमारे फ़ोन ऑपरेट करने के लिए अच्छा हो गया है, क्योंकि ये थोड़े टाइम ही पहनना है ग्लव्स। मनाली तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, वैसे मनाली के लिए अलग से एक प्लान बनाना पड़ेगा स्पेशली फॉर मनाली। तो आज जो है ये बैग, टेल बैग जो है ये पूरी तरह से अच्छी तरीके से बैठा हुआ है, इतना फुल भरा हुआ है कि उसको आज उसका यू शेप जो डेली लेता है वो बंजी की वजह से वो बिल्कुल भी नहीं ले पा रहा है। बहुत ज़्यादा फील कर दिया आज उसको, और डेली में जो है वो और भी ज़्यादा इससे ज़्यादा फील होने वाली है। अब डेली का सामान जो है वो पता नहीं इसमें कैसे लोड करने वाले हैं हम, बट देखते हैं अब कैसे करने वाले। विनायक बोले हम है, हम कर देंगे। ठीक है सर, आप आगे चलो, हम आपके पीछे। और मनाली में जो है ये बात आप ज़रूर याद रखें कि बिना हेलमेट के ट्रैवल ना करें। 1 किलोमीटर भी जाना है तो भी हेलमेट पहन के निकले, क्योंकि कल हमारे साथ यही बात हुई कि हम मार्केट जा रहे थे, हमारे होटल से जो है मार्केट थी कुछ 1.5 किलोमीटर, और हाफ किलोमीटर जाते ही हमें चेक पोस्ट पर पकड़ लिया और फाइन जो है कल विदाउट हेलमेट राइड करने का हमें लग चुका है एंड ऑफ द ट्रिप। जब इनिशियल ट्रिप जो है वो स्टार्ट हुआ था तो पुणे के पब्लिक को पता है नवले ब्रिज पे जो है वो स्पीड लिमिट लगाया हुआ है नवले ब्रिज पे 60 का। हमारे विनायक भाई साहब आ रहे थे 65 से, और वहाँ पे उनका फ़ोटो शूट हो गया है 1000 रुपीज़ का, बहुत ही बेहतरीन। उन्होंने स्टार्टिंग में फ़ैन लगवाया, हमने एंड ऑफ द ट्रिप फाइन लगवाया। ये तो ट्रिप का मज़ा है साहब, चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। और कल एक्चुअली मेरा जो ब्रेक फेल हुआ था उसका काम कराने के लिए हमने R15 से जाने का सोचा, नहीं तो हम मोस्टली ट्रैवल जब लोकल करते हैं तो बुलेट ही लेकर जाते, लेकिन कल ब्रेक की वजह से हम R15 लेकर गए और हो गई दिक्कत। नाइट्रोजन है ये भैया, अभी हमें मिले थे इनकी यहाँ पे, कौन सी होटल है, रोमा फ्यूड, अच्छा रेस्टोरेंट है,
जी, यहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है। ये जस्ट आप नेशनल हाईवे का जो टोल गेट है, यहाँ से 100 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो ये भैया से आपका नाम? मेरा नाम नरेंद्र। नरेंद्र भैया से आके आप हमारे सब्सक्राइबर भी है तो मिल सकते हो। यहाँ पे जो एक बहुत ही बड़ी लैंडस्लाइड हुई है मनाली मंडी हाईवे पे, विच इज़ नेशनल हाईवे 3, इसलिए जो है उधर का पूरा ट्रैफिक इधर डाइवर्ट किया हुआ है। अभी रिसेंटली लगता है कुछ टाइम पहले हुआ है, मतलब एक दो दिन में। यहाँ पे भी बहुत बड़ी लैंडस्लाइड। I could set you free, show you what this world can really be. Here with me, I could set you free, heartbeat. Here with me. तो अभी जस्ट जो है हम एक टोल पास करके हाईवे पे टच हुए हैं। इसके पहले भी जो है हाईवे था नेशनल हाईवे 3 और उसके बाद 153, बट इतना ज़्यादा घाट सेक्शन है उसमें, मतलब लिटरली इतना ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे। कुछ 100 किलोमीटर के अराउंड का घाट सेक्शन है लेकिन बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है। अब ये पता नहीं हमारा ट्रिप एंड हो रहा है इसलिए हमको इरिटेट हो रहा है, या फिर स्टार्टिंग में होता तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता वैसे, अगर हम मनाली जा रहे होते तो। लेकिन अभी जो है हम मनाली से रिटर्न आ रहे हैं क्योंकि हमें कुछ भी करके आज दिल्ली पहुंचना था एक्चुअली, लेकिन ये घाट सेक्शन की वजह से जो है हम ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाए। सुबह से कुछ 250 अराउंड किलोमीटर ही कम्प्लीट कर पाए। अभी यहाँ से दिल्ली जो है वो कुछ 300 किलोमीटर है। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और यहाँ जस्ट हमने पानी पीने के लिए ब्रेक लिया है। देखते हैं अभी, होपफुली हम पानीपत वगैरह तक 9 बजे तक अगर पहुंचते हैं तो हम पानीपत में रुकेंगे और उसके बाद कल सुबह जो है वो जल्दी दिल्ली पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो चलते मिलते हैं रोड्स पे, बातें करते रहेंगे। आज तो वैसे व्लॉग में कुछ इंटरेस्टिंग, मतलब कुछ दिखाने सीन्स वगैरह तो नहीं है। तो अभी विनायक साहब भी यहाँ आराम कर रहे हैं, हम रोड साइड बैठ कर जो है बैठे हुए जस्ट कि शुक्र है कि घाट जो है वो ख़त्म हो गया। अब हाईवे पे आराम से स्पीड अप कर सकते हैं, जल्दी से डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। लेट्स सी कितना कवर कर पाते हैं। तो मिलते हैं ऑन द रोड्स। इतन का अंबारा कुरुक्षेत्र पानीपत, हाँ हाँ